नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के चैप्टर से पूर्व हम लोगों ने विश्व की तीन प्रमुख प्रजातियों के बारे में, उनकी सामाजिक संरचना, उनकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, परिधान, आवास स्थान के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन किया, एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन कर लिया, और इससे पूर्व किर्गिज जनजाति के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। आज का जो अपना लेसन रहेगा या चैप्टर रहेगा, वो रहेगा मुख्य रूप से विश्व की बद्दू जनजाति के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। बद्दू जनजाति का आज का जो टॉपिक क्या रहेगा, बद्दू जनजाति, जिसको अंग्रेजी भाषा में बडविंस के नाम से भी इसे संबोधित करते हैं। ध्यान रहे कि आप ऐसा नहीं कि इसको इस प्रकार से बद्दू लिख दें, यह आपका गलत रहेगा। इसको अंग्रेजी भाषा में बडविंस के नाम से भी जान सकते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी में ये दे देते हैं कि डायरेक्ट ये दे दें कि बडविंस जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है या कहाँ निवास करती है। तो कन्फ्यूज़ होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बद्दू को बडविंस के रूप में इसे जानते हैं। तो बडविंस जनजाति की अपन बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग निवास की बात करते हैं कि यह जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में निवास करती है। यह जो आपके सामने एक मानचित्र जो दिखाई दे रहा है, यह सऊदी अरब के या सऊदी अरब के आसपास वाले जो देश है उनके बारे में बात कर रहे हैं, और इन्हीं क्षेत्रों के आसपास में यह बद्दू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं। वैसे मुख्य जो इनका निवास माना जाता है, कह सकते हैं कि यह जनजाति सऊदी अरब की प्रमुख जनजाति मान जाती हैं, लेकिन इनके पड़ोसी देशों में भी कुछ प्रभाव यहाँ मिलता है। जैसे दक्षिणी जॉर्डन की बात करते हैं, दक्षिणी इराक की बात करते हैं, कुवैत है, या यूएई है, ओमान है, यमन है, इसके आसपास वाले क्षेत्रों में भी यह जाति प्रमुख रूप से निवास करती हैं। ये कह सकते हैं मध्य उत्तरी अरब भूमि से लेकर के यह इराक तक, या कह सकते हैं कुवैत, यूएई, ओमान और यमन तक इस जनजाति का प्रसार प्रचार फैला हुआ है। यानी कि देख रहे हैं, ये लिखा हुआ हमद, इन्हें नेफत और यरगा रब अल खाली, इन मरुस्थलों के आसपास में सबसे ज़्यादा जो जनजाति निवास करती कौन सी होती है, बद्दू जनजाति मुख्य रूप से यहाँ अपना निवास करती है। अगली बात करते हैं हम लोग तो इस जनजाति के शारीरिक लक्षण की अपन बात करते हैं। शारीरिक लक्षण कि यह शरीर से किस प्रकार से नज़र आते हैं। शारीरिक लक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इनकी जो त्वचा का जो रंग होता है, वो होता है पीले रंग की होती है। यह जो बद्दू जनजाति का जो मुख्य जो त्वचा का जो कलर होता है, वो कौन से रंग का होता है, पीले रंग का होता है। उसके बाद करते हैं कि बद्दू जनजाति के खास विशेषता यह है कि यह जो जनजाति है मुख्य रूप से अर्मेनाइड और काकेसाइड का मिला जुला रूप माना जाता है। अर्मेनाइड प्लस काकेसाइड का मिला जुला रूप माना जाता है। जो अर्मेनाइड जो है, इसका जो प्रमुख जो क्षेत्र माना जाता है, दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है, और काकेसाइड को जानते हैं आप यूरोपियन क्षेत्रों में होता है। इनका जो मिला जुला जो रूप है, उसका कह सकते हैं कि यह कौन जनजाति होती है, बद्दू जनजाति में पाया जाता है। और इसकी आँखों की बात करें, या आँखों के अलावा इनमें जो बाल हैं वो मुख्य रूप से काले रंग के होते हैं। आँख और जो बाल हैं या उनके जो हेयर हैं वो काले रंग के होते हैं मुख्य रूप से। अगली बात करते हैं इसमें शारीरिक रक्षण के बाद में बात करें भोजन कि इस जनजाति के जो लोग हैं वो भोजन किस प्रकार का करते हैं, खाना किस प्रकार का खाते हैं। भोजन की हम लोग बात करते हैं तो यह जनजाति के लोग जौ की रोटी, क्योंकि मैंने बताया है कि यह मरुस्थल क्षेत्र में है,
तो मरुस्थल क्षेत्र में मुख्य रूप से जौ और मक्का की रोटी ही सबसे ज़्यादा उपयोगी है, उपयोगी नहीं कह सकते, वहाँ पर उत्पादित ही यही होता है। तो इसका जो मुख्य भोजन क्या होता है, जौ और मक्का की रोटी होती है। इसके अलावा यह लोग ऊँटनी के दूध का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ऊँटनी के दूध का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। और ये लोग कॉफ़ी के भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, कॉफ़ी इनका सबसे प्रिय पेय पदार्थ कह सकते हैं। और कई बार प्रतियोगी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये दिख रहे हैं सऊदी अरब के नीचे आ रहा है कि यमन देश आ रहा, यमन देश की ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रतियोगी परीक्षा में कई बार आ चुका है कि एक आता है मोचा कहवा, मोचा कहवा, मोचा कहवा का संबंध किस देश से माना जाता है, यमन देश से माना जाता है, यमन देश से माना जाता है। ध्यान रखनी है आपको मोचा कहवा, या कई किताबों में ये भी लिखा आता है, मौका भी आता है, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा लिखता है तो वह मोचा भी कह सकते हैं, मौका भी कह सकते हैं। यह कहवा यमन सागर या यमन देश के आसपास में मुख्य होता है, और अत्यधिक होने पर यह निर्यात भी करते हैं, और सबसे अच्छा कहवा माना जाता है, कॉफ़ी मानी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं कि ये जो कॉफ़ी बनाते हैं वो मुख्य रूप से गेस्ट के लिए भी ज़्यादा करते हैं, कि अतिथि आता है जिनको सबसे पहले कॉफ़ी ऑफर की जाती है कि आप कॉफ़ी पीजिए। ठीक है, अगले बात करते हैं कि इनके शिविर की बात करते हैं, या तंबू की बात करते हैं, या कह सकते हैं इनके आवास की बात करते हैं। तंबू की बात, तंबू कह दो या शिविर कह दो, इनके जो शिविर है या आवास है वो अस्थायी रूप से होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं। कि यह जनजाति मरुस्थल क्षेत्र में है तो चारा के लिए रहती है, और चारा जहाँ पर मिल जाएगा वहाँ पर ये अस्थायी झोपड़ी बना लेंगे, और जहाँ वहाँ पर चारा ख़त्म हुआ तो वह अपने तंबू को उखाड़ कर वापस अगले स्थान पर जहाँ पर चारा होता है वहाँ पर लगा देते हैं। अगले बात करते हैं कि इनके तंबुओं में, जैसे ये इनका एक तंबू है तो इनको दो खंड होते हैं, जिसमें एक खंड में तो पुरुष रहते हैं, एक खंड में क्या रहते हैं, महिला रहते हैं। यानी कि तंबू जो है उनमें अलग अलग खंड रहते हैं, महिलाओं के निवास करने के लिए अलग होते हैं, और पुरुषों के निवास करने के लिए अलग अलग दो खंड होते हैं जिनमें महिला और पुरुष अलग अलग रहते हैं। अगली बात करते हैं तंबू और वस्त्र के बाद, तंबू और शिविर के बाद में अपन बात करेंगे वस्त्र। ये जनजाति के लोग वस्त्र किस प्रकार का पहनते हैं, बात करते हैं वस्त्र। ये जनजाति मरुस्थल क्षेत्र में निवास करती है, मैंने बता चुका हूँ। तो मरुस्थल क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती हैं वह जनजाति के लोग मुख्य रूप से ढीले ढाले कपड़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, मतलब ढीले ढाले कह सकते हैं, या सूती वस्त्र के उपयोग का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा लगती है और सूती वस्त्रों में गर्मी थोड़ी कम लगने के कारण ये सूती वस्त्र का उपयोग ज़्यादा करते हैं, और ढीले ढाले टाइट कपड़े नहीं पहनते हैं, बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े का उपयोग करते हैं। पुरुष मुख्य रूप से कुर्ता और पायजामा का उपयोग करते हैं, और सिर पर पगड़ी का उपयोग भी करते हैं, या कह सकते हैं टोपी का उपयोग भी उसमें करते हैं ये लोग। अगले बात करते हैं इनके सामाजिक संगठन की, बात करते हैं कि इनका या इस जनजाति का सामाजिक संगठन किस प्रकार का है, इनका समाज कैसा है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, सामाजिक संगठन की बात करते हैं। तो इस जनजाति में सबसे पहले बात करते हैं कि तो यह पितृप्रधान समाज को मानते हैं, मतलब इनका सबसे मुख्य बात यह है कि ये लोग पितृप्रधान समाज को मानते हैं। पितृप्रधान समाज का मतलब होता है कि इनका जो मुखिया होता है वह होता है पिता ही होता है, पिता का कहना सबको मानना पड़ता है, इसे लोग पितृप्रधान समाज के रूप में भी इसे जानते हैं। अगले बात करते हैं कि इसमें मुखिया कौन होता है, पुरुष मुखिया होता है, पितृप्रधान बात वही होगी, पुरुष मुखिया मुख्य रूप से होता है। अगले बात करते हैं तो कि इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं, शेख कहते हैं इसे, शेख का मतलब क्या होता है, इस्लाम धर्म के जो मुख्य अनुयायी होते हैं उनको हम शेख के रूप में संबोधित करते हैं या उसे जाना जाता है। अगली बात, इसमें बहुपत्नी विवाह भी प्रचलित है, बहुपत्नी एक से अधिक पत्नी भी रख सकते हैं, बहुपत्नी विवाह भी इसमें प्रचलित है, या शादी वापस कर सकते हैं। अगली बात करते हैं इसमें दास प्रथा प्रणाली भी मानी जाती है, विकसित हुई है। इसके बाद में
पशुपालक होने साथ के साथ साथ ये लोग मुख्य रूप से क्या है, पशुपालक है, मरसूल में वो पशुपालक होते, पशुपालक होने के साथ साथ में ये लोग युद्धक भी हैं, युद्ध करने में भी ज़्यादा प्रवीण माने जाते हैं, युद्धक भी माने जाते हैं, यह युद्धक प्लस पशुपालक कौन जनजाति, बद्दू जनजाति है। और इसके अलावा वर्तमान में ये लोग कुछ इन गतिविधियों के अलावा भी सरकारी नौकरी में भी अपना काम कर रहे हैं। और लास्ट बात करते हैं कि इनकी या इन जनजाति की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर मानी जाती है। बात करते हैं इनका जो प्रमुख कार्य पशुपालन है, तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वह मुख्य रूप से पशुपालन पर ही निर्भर मानी जाएगी। और इनका जो मूल आधार है पशुपालन का वह ऊंट पशु से मानते हैं। उसके अलावा कृषि में ये ज़्यादा रुचि लेते नहीं है, खेती करने का करते नहीं हैं। और कुछ लोग के द्वारा खजूर, जो मक्का, खरबूजे और सब्जियां भी इसमें द्वारा उगाई जाती हैं। ये था आज का टॉपिक, बद्दू जनजाति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, उनके निवास स्थान के बारे में अध्ययन किया, ये भोजन किस प्रकार करते हैं, इनका सामाजिक संगठन कैसा है, इनकी शरीर की बनावट किस प्रकार की है, अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, वस्त्र किस प्रकार बनते हैं, या किस प्रकार के आवास में या शिविर या तंबू में निवास करते हैं, उनके बारे में बद्दू जनजाति की संपूर्ण जानकारी के बारे में आज अपन ने अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच।